नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम महिंद्रा की जीतो के पीछे के स्प्रिंग डबल करेंगे। आप देख सकते हैं ये गाड़ी लोडिंग में चलती है, ये 7-8 क्विंटल वजन से ऊपर नहीं उठाती, इसके अंदर ज़्यादा वजन डालते हैं इसलिए नीचे लग जाती है। दोस्तों आज हम महिंद्रा की जीतो को पीछे से डबल स्प्रिंग करेंगे। आप देख सकते हैं गाड़ी अपनी खुल चुकी है, स्प्रिंग वगैरह बाहर निकालेंगे और इसमें स्प्रिंग डबल करेंगे। दोस्तों चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों ये इसके जेन्युइन स्प्रिंग है जो साथ में आते हैं गाड़ी के, इसके अंदर आप डबल स्प्रिंग करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसके अंदर स्प्रिंग लगाएंगे, ये अपने स्प्रिंग अंदर डबल लग चुके हैं देख सकते हैं, और इसको करेंगे फिटिंग। दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों ये कस्टमर बोल रहा है कि लोड ज़्यादा होता है, 20 क्विंटल के नज़दीक लोड होता है, आप स्प्रिंग इससे भी ज़्यादा हैवी करो, इसलिए अपने को सारी गाड़ी खोलनी पड़ी, एक्सल वगैरह बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि स्प्रिंग इसमें बड़े लगाएंगे, फिर सिंगल वाले एक्सल देख सकते हैं इसके बाहर निकालने पड़ते हैं, नहीं तो इसके लॉक वगैरह टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके साथ वाला स्प्रिंग है और ये जो ये हैवी स्प्रिंग लगाएंगे इसमें, चाहे 20 क्विंटल वजन डाल ले कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अपने स्प्रिंग फिटिंग हो चुके हैं। अब अपना शोकर थोड़ा सा छोटा रहता है, इसमें अब शोकर को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यही शोकर रखेंगे गाड़ी के साथ वाले। अपने शोकर और गाड़ी सारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं शोकर का साइज लंबा कर दिया है, एक नक्का वेल्डिंग कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल